ये बात तो हम सब जानते हैं कि साउथ इंडिया में लोग फिल्मों को, स्टार्स को केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते, वो मूवीज़ को फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये इसलिए भी है क्योंकि वहाँ एक्टर्स भी फैंस को फैंस ना मानकर अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। मे भी मानते ना भी हों तो भी उन्हें ऐसा फील ज़रूर कराते हैं। शायद यही रीज़न है कि वहाँ के सुपरस्टार्स फैंस के दिल में बसते हैं, उनके दिलों पर राज करते हैं। ट्रेलर रिलीज़ हुआ है एक ऐसे सितारे की आखिरी फिल्म का जो न केवल पर्दे पर हीरो था बल्कि वो एक रियल लाइफ हीरो था। चर्चा करेंगे डॉक्टर पुनीत राजकुमार की फिल्म गंधाड़ा गुड़ी के ट्रेलर पर। यूं तो ये एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म है और वो भी कन्नड़ा में, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि इस ट्रेलर पर चर्चा करने के बहाने हम भी शायद डॉक्टर पुनीत राजकुमार को एक आखिरी विदाई दे पाएं। गंधाड़ा गुड़ी एक्चुअली एक वाइल्ड लाइफ पर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसमें एडवेंचर के साथ साथ पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी पर भी फोकस किया गया है। इस डॉक्यू ड्रामा में पुनीत राजकुमार के साथ फिल्म के डायरेक्टर अमोघा वर्षा भी पर्दे पर दिखेंगे। फिल्म के सिनेमेटोग्राफी की जिम्मेदारी मिली है प्रतीक शेट्टी को, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से इन ब्यूटीफुल शॉट्स को कैप्चर किया है। हालांकि हमारे देश में एक सच ये भी है कि वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्रीज इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इसलिए इसके बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल होने का दावा नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये एक तरह की बेहतरीन शुरुआत है कि थिएटर्स में इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज को रिलीज किया जाए। ये इंटरनेशनल लेवल तक जाने की एक और सीढ़ी है जिसका उद्घाटन डॉक्टर पुनीत राजकुमार करके इस दुनिया से चले गए। ट्रेलर में दिख रहे शॉट्स, सीन्स, कैमरा वर्क सब कमाल का लग रहा है। जिस तरीके से इस जंगल की खूबसूरती को कैमरे के माध्यम से उभारा गया है वो निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगी और डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स की तरफ उन्हें आकर्षित करेगी। पुनीत राजकुमार इस फिल्म के माध्यम से ऑडियंस के लिए नया एक्सपीरियंस और फिल्म मेकर्स के लिए नए ऑप्शंस दे गए हैं। यूं तो जंगल पहाड़ एडवेंचर्स पर देश में फिल्में बनी हैं, वो चाहे बॉलीवुड में नक्शा टाइप की फ्लॉप फिल्म हो या फिर बंगाली में अमेजॉन ओबीजान और चंदेर पहाड़ जैसी फिल्में हो। लेकिन ये फिल्में कॉमर्शियलाइज्ड थी, इन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स नहीं कहा जाएगा। बट गंधाड़ू गुड़ी पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। ट्रेलर में सुनाई दे रहा बैकग्राउंड म्यूजिक तो इंप्रेसिव है ही, लेकिन अगर आप इसके साउंड डिजाइन पर गौर करें तो वो भी पावरफुल है। जंगल के शॉट्स में जब एक्टर्स द्वारा बोले डायलॉग्स को भी शामिल करना होता है तो साउंड डिजाइन का महत्व बढ़ जाता है। और वैसे भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स इज ऑल अबाउट शॉट्स एंड साउंड्स। अगर ये दोनों चीजें परफेक्ट हैं तो डॉक्यूमेंट्री हिट है। कभी कभी तो ऐसा फील होता है जैसे उन्हें अपने जाने का अंदेशा पहले से ही हो गया था, इसलिए आखिरी समय में उन्होंने अपनी सारी विशेष पूरी कर ली और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी उन विशेष में से एक थी। ये वो आखिरी फिल्म है जिसमें हम पुनीत राजकुमार को आखिरी बार देख पाएंगे और उसके बाद ये मुस्कुराता चेहरा कभी पर्दे पर नहीं दिखेगा। हमारे देश में हर साल हजारों ट्रेलर रिलीज होते हैं, फिल्में रिलीज होती हैं। इन सब ट्रेलर्स को कुछ लोगों द्वारा पसंद किया जाता है तो कुछ लोगों द्वारा नकार दिया जाता है। अच्छे से अच्छे वीडियोस पर भी खामियां निकालने वाले, गालियां देने वाले लोग देखे जा सकते हैं, लेकिन इस ट्रेलर के कमेंट सेक्शन में एक भी नेगेटिव कमेंट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ये ट्रेलर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा है, ये एक इमोशन है। डॉक्टर पुनीत राज ने अपने रियल लाइफ में जो कुछ किया उतना तो एक्टर्स पर्दे पर झूठ मूठ में भी नहीं कर पाए हैं। वृद्ध आश्रम से लेकर अनेकों बच्चे बच्चियों के एजुकेशन की जिम्मेदारी, वो सब कुछ किया जो उन्हें रियल लाइफ में भी महान बनाता है। एक इंसान दूसरों के लिए कितना कर सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण थे अप्पू यानी पुनीत राजकुमार। ट्रेलर से ऐसा फील हो रहा है जैसे ये फिल्म ना होकर वो इस डॉक्यूमेंट्री को जी रहे हैं। इस ट्रेलर की खासियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मैं इस ट्रेलर तक तब पहुंचा जब देश के प्रधानमंत्री का एक ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने इस ट्रेलर को शेयर करते हुए पुनीत राजकुमार को विदाई दी। इवन एज आई सेड कि इस ट्रेलर को रिव्यू करने के बहाने से उनको ये मेरी आखिरी विदाई होगी, क्योंकि ये मुस्कुराता चेहरा अब आकाश में विलीन हो चुका है। हमारे यहाँ यानी बॉलीवुड के इंटेलेक्चुअल दर्शक जो हैं, उनका मानना रहता है कि एक एक्टर की एक्टिंग से मतलब होना चाहिए और पर्सनल लाइफ में वो क्या कुछ करता है उससे हमें मतलब नहीं रहना चाहिए। नतीजा कि पर्दे पर नारी शक्ति का भाषण देने वाला हीरो खुद रियल लाइफ में 3 बार शादियां कर चुका होता है और पैसों के लिए टीवी पर फिल्म में नारी को महान बताता है। ये दोगला चेहरा ही तो है। और अगर सब ये मानते हैं कि सिनेमा समाज का दर्पण है, सिनेमा से लोग बहुत कुछ सीखते हैं, तो आज के जमाने में जहां इंटरनेट होने के कारण सुपरस्टार्स की निजी लाइफ तक लोग पहुंच जाते हैं, उस निजी लाइफ में अगर आपका हीरो पर्दे के हीरो के ठीक विपरीत दिखे तो क्या वो समाज पर गलत असर नहीं डालेगा? शायद इसलिए बॉलीवुड में एक्टर्स
एक्टर्स की वैल्यू उनकी लोगों के बीच पॉपुलैरिटी घटती जा रही है। उन्हें बॉलीवुड हीरोज को देखने का मौका मिलेगा तो देख लेंगे, बट उसके लिए वो बहुत तत्पर नहीं दिखते हैं या अपना काम धंधा छोड़कर देखने नहीं जाएंगे। बट साउथ में स्पेशली अगर डॉक्टर पुनीत राजकुमार के बारे में बात करें तो ऐसा नहीं था। उनकी रियल लाइफ उनकी रील लाइफ से भी ज्यादा सुंदर थी। वो रियल लाइफ में इतने हम्बल और डाउन टू अर्थ थे कि उनकी मृत्यु पर उनके घर का नजारा देखने लायक था, जहां लोग रात भर टस से मस नहीं हुए, इंच भर पैर रखने की जगह नहीं थी उनके घर के बाहर। एक एक्टर की मौत हीरो की तरह हो तो शायद इससे बड़ी बात दूसरी नहीं हो सकती। यही रीजन है कि साउथ के एक्टर्स की एवरेज इवन बिलो एवरेज फिल्म भी अच्छा बिजनेस कर जाती है, क्योंकि वहां लोगों का उनके हीरो को पर्दे पर देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिल्म में 19-20 वो झेल सकते हैं। पुनीत राजकुमार की लास्ट फिल्म जेम्स थी और अब आखिरी बार वो इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के जरिए अपने फैंस के लिए अपनी आखिरी मुस्कान बिखेर जाएंगे। जाते जाते इतना ही कहूंगा, सभी की आंखों का नम होना भी जायज है, आखिर देश ने एक अनमोल सितारा खोया है। पहचान ही ऐसी बनाई थी सबके दिल में उन्होंने कि उनकी मौत पर ये सारा जहां रोया है। वी विल मिस यू सर।